इटावा के मुख्य विकास अधिकारी के खिलाफ जनपद के सभी पंचायतों के सचिवों ने खोला मोर्चा। 130 महिला एवं पुरुष सचिव उत्तर प्रदेश संयुक्त परिषद कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में विकास भवन पर धरना देने पहुंचे। सचिवों ने मुख्य विकास अधिकारी के ऊपर गाली गलौज करने, मानसिक उत्पीड़न का लगाया आरोप। कर्मचारी संघ ने CDO के खिलाफ कार्रवाई न होने तक जनपद के सभी कार्य ठप करने की दी चेतावनी। वहीं CDO ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बताया निराधार। इटावा विकास भवन में आज जनपद के सभी पंचायतों के 130 ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी अपने ही मुखिया मुख्य विकास अधिकारी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इन लोगों का कहना है कि CDO साहब काम कराने के लिए हम लोगों को मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, हम लोगों के साथ अभद्रता से भी पेश आते हैं। इस धरने में उत्तर प्रदेश संयुक्त कर्मचारी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए और चेतावनी दी कि जब तक CDO के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इटावा से मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट, हिंदुस्तान न्यूज़ 24। मुख्य विकास अधिकारी टावा के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राय देखा जाता है कि ये गालियां देते कर्मचारियों, यहां तक देखा गया कि उन्होंने कर्मचारियों को अपने दरवाजे पर चपरासी के साथ बैठा दिया, उसका मोबाइल छीन लिया और उसको शाम को 8-8 बजे तक बैठाए रखा। नियमावली आचार संहिता अगर कर्मचारी के ऊपर लागू होती है तो अधिकारियों के ऊपर भी लागू होती है। ये अधिकारी कोई राजा नहीं हो सकते। एक दिन में कोई कमी हुई उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन के आदेश हैं, सस्पेंशन के नियमावली है, उसमें लिखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को टर्मिनेट करने की स्थिति बनती है तब सस्पेंड किया जाएगा। इसलिए किया जाएगा ताकि वो साक्ष्यों को मिटा ना सके। लेकिन यहां तो अगर कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो रहा है, कर्मचारी ने कोई गलत सूचना दे दी है, 2 दिन के अंदर सूचना मांगी जाती है। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। इन्होंने 8 तारीख को मैसेज किया, 9 तारीख को कागज दिए और 12 तारीख को 600 गांव की सूचनाएं मांग ली। उसमें अगर त्रुटियां होंगी तो सस्पेंड होगा आदमी। ये जो इनकी बातें हैं इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। इन्होंने कर्मचारियों को कितनी गालियां दी हैं इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। इसको आज हम मीडिया को भी शाम को देंगे। ये आचार संहिता से बंधे हुए लोग हैं। मैंने पहले भी कहा राजा नहीं हो सकते। नियमावली में अगर उनके लिए नियमावली है कि नीचे के कर्मचारियों से कैसे काम लेना है तो हमारे पास भी नियमावली है। ये नहीं हो सकता कि वो बड़ी सीट पे बैठ गए हैं तो यहाँ हमारे साथ गाली गलौज करेंगे, किसी को दरवाजे पे बैठा देंगे, किसी को चपरासी के साथ बैठा देंगे, उसका मोबाइल छीन लेंगे। ये संभव नहीं है। ऐसे अधिकारियों को इटावा नहीं रहने दिया जाएगा। इनके साथ जो ऐसा करेंगे उनके साथ वैसे ही बर्ताव किया जाएगा। आज हम लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि इनके साथ आज से कोई काम नहीं करेगा और जरूरत पड़ेगी तो कल से पूरा जिला हम बंद करा देंगे, सारे भाग बंद करा देंगे। ये इनकी कहीं ना कहीं हठधर्मता है। इनका पिछला रिकॉर्ड भी मंगाया गया तो पता लगा ये ऐसी हरकतें बाहर भी करते रहे हैं और आज भी इन्होंने यहाँ करना शुरू किया। जब से आए तब से कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें थी, हम लोगों ने उसको नजरअंदाज किया। भाई कर्मचारी हैं, ठीक है आप कराइए काम, उनमें कोई नहीं बोला। लेकिन अब जब हद हो गई, जब इनके मनोबल बहुत बढ़ गए, उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको रोका जाना चाहिए क्योंकि आगे ऐसा होगा तो गलत होगा। एक वीडियो इनका ऑडियो हमारे पास है जिसमें इन्होंने इतनी भद्दी गालियां दी हैं जो कि इनको कोई अधिकार नहीं, किसी बाप को बेटे को मारने इस तरह के अधिकार नहीं है। ये बाप नहीं हो सकते हमारे। तो इस तरह की अगर हरकतें करेंगे सरकारी कर्मचारी, आचार नियमावली इनके साथ भी है, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे और ऐसे अधिकारी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो इस तरह के व्यवहार हमारे साथ करेगा। ठीक है काम करिए, आप भी अधिकारी हैं, लेकिन गाली गलौज करने का अधिकार किसी को नहीं दिया है। कुछ लोगों को नजरबंद करने की बात सामने, बिल्कुल सही बात है, हमारे पास लिखित में सारी सूचना है। मोबाइल के छीने गए, उनको नजरबंद किया गया, उनको बाहर चपरासी के साथ दिन भर बैठा गया 8-8 बजे तक, उसके बाद उनको घर जाने दिया गया। उसकी पत्नी के 10-10 दिन तक रहा, ये उसकी पत्नी को समस्या आई वो भी बताया गया, उसको घर नहीं जाने दिया गया। तो ये क्या हो रहा है भाई, ये कैसा प्रजातंत्र है, ये कैसा लोकतंत्र है ये? नहीं, हम लोग तो ये कर रहे हैं। आज इन्होंने ग्राम पंचायत और इनकी समस्या थी, इन्होंने बंद किया। इसके बाद नहीं समस्या चल जाएगी, पूरा इटावा हम बंद कर देंगे, सारे विद्यालय सारे कार्यालय सब बंद करेंगे, सारा का सारा हमारे पास है। मैं पूरा प्रदेश का अध्यक्ष हूँ राज्य कर्मचारी संघ परिषद का, मैं सारा इटावा बंद करूंगा, उसकी जरूरत पड़ी तो हम पूरा प्रदेश ही बंद कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आती।
के बाहर आदि के विभाग के कई सचिव लगभग 150 की संख्या में धरने पर बैठे हुए, क्या मामला है? देखिए, वो मामला के बारे में हमको संज्ञान में नहीं है, क्योंकि जो मेरा कर्मचारी सचिव है, सब लोग मतलब अपना अपना कुछ जगह पे जाके मतलब ज्ञापन दिया, पर लेकिन जिन जगह पे आके मतलब इन लोगों को समस्या बताना चाहिए उधर आके इन लोगों ने समस्या नहीं बताया। तो विकास भवन का मतलब मुख्य विकास अधिकारी के पास आके इन लोगों को समस्या कभी इन लोगों ने नहीं बताया। तो उस वजह से इन लोगों को क्या डिमांड्स है हर एक चीज हमको मालूम है। नहीं, पूरे 150 लोग बैठे हुए हैं, पूरे जनपद का काम ठप है विकास पंचायतों को लेकर। देखिए, अगर कोई समस्या है हल कराने के लिए और सुनने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक मैं हमेशा बैठता हूँ। तो केवल मतलब सफाई नीचे स्तर का सफाई कर्मचारी तक हम सुनने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो अगर सुनने के लिए हम तैयार हो तो फिर इन लोग आने के लिए अगर तैयार नहीं है फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तीन सचिव ऐसा है जिनका कहना है कि हमें यहाँ सस्पेंड करने के बाद नजर बंद करके रखा गया, हमारे मोबाइल रखा लिए गए। नहीं, वो गलत है एक्चुअली। देखिए, वो तीन सचिव को मतलब इस वजह से हम लोगों ने सस्पेंड किया है, क्योंकि मतलब आवास प्लस का सूची का मतलब अभी चयन चल रहा है, काम चल रहा है। उसमें लगभग 15 से 20 सचिव काफी गड़बड़ी किया है। वो 1520 सचिव से टॉप 3 को हम लोगों ने मतलब सस्पेंड कराया। उस सस्पेंड होने के बाद नियम का अनुसार किसी एक कार्यालय में अटैचमेंट होना है। ब्लॉक कार्यालय में अटैच करने पे इन लोग कभी ब्लॉक में जाते नहीं। तो हमने उस वजह से मुख्य विकास अधिकारी का कार्यालय में मैंने अटैच किया। जब मैं सुबह आता हूँ मतलब 10 बजे और रात में काम करके रात 9 बजे वापस लौटता हूँ। तो जब तक मैं रहूंगा मतलब ऑब्वियसली नीचे स्तर अधिकारी भी रहेंगे, तो हमको नहीं लगता तो मतलब इसमें कोई गलत नहीं। मोबाइल वगैरह भी रखे गए थे क्या आपकी तरफ? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, मतलब वो निराधार आरोप इन लोगों के माध्यम से मतलब हमके ऊपर मतलब आरोप लगाया गया है, मतलब गाली गलौज, ये तो बिल्कुल निराधार है। मैं कभी कभी मतलब काम के लिए डांटता हूँ, क्योंकि मतलब देखिए, अगर एक माँ है अपना बच्चों या बच्चियों के लिए मतलब इसके लिए डांटते हैं, क्योंकि मतलब डांटने पे सुधार में आ जाएगा। मैक्सिमम 90% काम मतलब थोड़ा डांटने पे सुधार में हो जाएगा, क्योंकि एक एक आदमी के ऊपर लिखा पढ़ी करने पे एक आदमी भी बचेंगे नहीं। ये भी है।